फ्रेंड्स, मैं उसम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं क्रिएटिव फार्म। तो आज हम लोग एक 12 वोल्ट की बैटरी को रिकवर करेंगे। तो उसके लिए मेरे पास एक बैटरी है, देख लीजिए आप, और इधर से और एक पावर सप्लाई है 12 वोल्ट्स की। और हम लोग को एक डिस्टिल्ड वाटर चाहिए होगा बैटरी वाला। तो उसमें देख सकते हैं आप, मेरे पास ये वाला डिस्टिल्ड वाटर है जो मैंने पिछली बैटरी में यूज़ किया था 6 वोल्ट की बैटरी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम लोग बैटरी को थोड़ी देर चार्ज करके देख लेंगे। तो देख सकते हैं आप, मेरे पास सॉकेट है, तो वो इसमें देखिए प्लस माइनस वायर, मैं इसको बैटरी में कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने कनेक्ट कर लिया है, देख सकते होंगे आप, इधर ये सॉकेट था, ये प्लस माइनस वायर इसमें हो गया है। चलिए अब ऑन कर लेते हैं स्विच को। तो मैंने ऑन कर लिया है इसको। 1, 2, 3 आवर तक चार्ज करने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या प्रोग्रेस है। तो देख सकते होंगे आप लोग, मैंने बैटरी को 2 आवर्स के लिए मैंने चार्ज करा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसको। ये देखिए सॉकेट में हटा लेता हूँ इसको। तो देख सकते होंगे आप, ये मेरे पास ये बैटरी इंडिकेटर है, देख सकते होंगे। ये चेक कर लेते हैं, देखिए इतने चार्ज करने के बाद ये इतने ही हुई। तो इसको रिकवर करने का तरीका मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग इसके पहले इधर पर ये ट्यूब्स ओपन कर लेते हैं सारे। और अगर आपको कोई भी बैटरी रिकवर करनी है तो आप उसको ऐसे ऐसे करके देख लीजिए। अगर उससे कोई भी इस तरह की अगर आवाज़ आती है तो आप उसको प्लीज़ रिकवर करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो चलिए मैं सारा ट्यूब हटा लेता हूँ इसके। तो देख सकते होंगे मैंने इसका ये सब निकाल दिया है। तो देखिए मेरे पास ये वाला वाटर है, मैं इसको भी निकाल लेता हूँ। तो देखिए मेरे पास एक सिरिंज है, तो मैं इसको ऊपर तक इसमें पूरा भर लूँगा। तो ये देख लीजिए, मैं इस वाटर को भर देता हूँ। तो देख सकते होंगे आप, ये पहले वाले में पूरा वाटर भर चुका है, देख लीजिए पूरे सेल में। तो अब मैं दूसरे सेल में भी वैसे ही भर दूंगा। तो देख लीजिए मैंने 1, 2, 3 भर लिया है।
ये वाला हाफ भर चुका है, चलिए और भर लेते हैं। अब इसी तरह करके सारे आप ऊपर तक भर लीजिए। तो देख लीजिए आप, मैंने पूरा इसको पूरा ऊपर तक भर लिया है। तो हम लोग उसको पोंछ लेते हैं। देखिए सारे ट्यूब है, मैं लगा देता हूँ। तो चलिए अब इसको चार्ज कर लेते हैं एक बार। तो देख सकते होंगे आप, मैंने कनेक्ट कर दिया है, देख लीजिए। तो सबसे पहले अब देख लेते हैं वोल्टेज इसमें बिल्कुल भी बचा है या नहीं बचा है। ये देखिए बहुत ही कम जल रही है, देख सकते होंगे शायद से। दिखा देता हूँ और पास से, देख सकते हो शायद बहुत ही कम जल रही है। तो मैं ऑन कर देता हूँ सॉकेट। ये देखिए मैंने सॉकेट ऑन कर लिया है, तो देख सकते होंगे आप कितनी जल्दी है। तो अब हम लोग इसको 2 से 3 आवर के लिए चार्जिंग में छोड़ देंगे। तो देख लीजिए मैंने चार्ज कर लिया इसे। तो अब चलिए देख लेते हैं, द बोर्ड इज ऑन। तो देख सकते हैं 2 वायर है मेरे पास, और ये वाला आपने वीडियो देखा ही होगा। तो मैं इसमें ज्वाइन कर लूँगा। देख सकते होंगे, देखिए पहले आप देख सकते होंगे कि अच्छे से नहीं चल रहा था, अब ये अच्छे से चल रहा है। तो आज का लिए बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए।